और सुबह है 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। टाइम नहीं देखा, मतलब बाद में देखा तो 5 बजे थे, तो उससे पहले ही उठ गई थी मैं। तब से लगी हूँ अभी तक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जानकी जोशी उत्तराखंड से। तो आज है हरेले का पर्व और बहुत ही धूमधाम से हमारे उत्तराखंड में आज का पर्व मनाया जाता है हरेले का। तो वही आज हरेले का पर्व है और आप सभी को सबसे पहले हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आज हरेले के उपलक्ष्य में मैंने रखी है घर में पूजा और पाठ रखा है, भगवानों का पाठ करेंगे। तो अभी पंडित जी आने वाले हैं, अभी हो गया सुबह का 8:30 बजे का टाइम और मैंने मंदिर में पूजा कर ली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने हरेला काट दिया है, हरेला काट के भगवानों को हरेला चढ़ा दिया है और पूजा कर ली है मंदिर में। तो ये देख सकते हैं आप मेरे मंदिर की पूजा और भगवानों को सभी को मैंने हरेला चढ़ा के दिया बत्ती कर दिया है और अब पंडित जी का इंतज़ार है। पंडित जी आएंगे तो उसके बाद पाठ पूजा होगा और यहाँ पर ये फूल रखे हुए हैं और यहाँ पर और फल रखे हुए हैं आप देख सकते हैं, और सामने है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की फ़ोटो। और हम इससे पहले वृंदावन गए थे, आप सभी को पता ही होगा, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो हम वृंदावन गए थे, वहाँ से हम ये फ़ोटो लेके आए हैं और साथ में मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और इनका सारा सिंगार का सामान रखा हुआ है। तो आज हरेले के उपलक्ष्य में मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा करने वाली हूँ और उनको आज प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है घर में। तो इसी उपलक्ष्य में आज पंडित जी बुलाए हैं। बहुत अच्छा दिन है आज का, सावन का महीना लग गया है आज से और पहला पैठ है, सावन का पहला दिन है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है मैंने पूजा रखी है, बहुत अच्छा महीना है, पावन पर्व है हरेले का। तो बहुत अच्छे दिन आज भगवान लड्डू गोपाल की पूजा होगी और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और इनकी आज पूजा होगी, इनका प्राण प्रतिष्ठा होगी घर में। और मेरे घर में आज लड्डू गोपाल आएंगे, आ गए हैं पहले ही, और आज अच्छे से उनका श्रृंगार होगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इसी उपलक्ष्य में आज पूजा रखी हुई है। तो अभी पंडित जी आने वाले हैं 9:30 बजे। तो मैंने सारा काम कर लिया है, यहाँ पर पिछौड़ा रखा है पहनने के लिए, अभी भी छोड़ा पहना नहीं है और जब पंडित जी आएंगे तभी पहनूंगी। तो सब काम मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब पंडित जी का इंतज़ार है, वो आ जाते तो हम पूजा स्टार्ट कर लेते। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा काम हो गया, बाहर तुलसी के मंदिर में भी मैंने दिया बत्ती कर दिया है, वहाँ भी दिया बत्ती करके धूप बतासे चढ़ा दिए हैं। मौसम भी जो आज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, काफ़ी धूप है, अच्छा क्या है, धूप है, बहुत गर्मी है। बच्चे नहाने गए हैं, जोशी जी को मैंने नहला धुला के भेज दिया है, पान के पत्ते और बतासे वगैरह लेने के लिए। और यहाँ आपसे बात करते करते मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, पूड़ी बनानी मैंने अभी, और यहाँ पर मैंने खीर बनाने के लिए रखी हुई है खीर, ये खीर बन रही है, पूड़ी बन रहे हैं और आटा गूँथ के रखा है, ये मोदक बनाने के लिए आटा गूँथ रखा है और यहाँ पर पूड़ी बनाने के लिए आटा गूँथ रखा है, और ये है बड़े बनाने के लिए उड़द की दाल पीस के रखी है, इसके बड़े बनेंगे, पूड़ी बनेंगी और एक कोई सब्जी बनेगी, खीर बनेगी, बाकी यही अभी हो रही है तैयारी। तो अब मैं करती हूँ सामग्री बनाने की तैयारी, प्रसाद वगैरह, उसके बाद आ जाएंगे पंडित जी, फिर हम करेंगे पूजा स्टार्ट। तो यहाँ पर खीर बनके मेरी तैयार हो गई है और अब मैं बना देती हूँ मोदक भगवानों के लिए। सबसे पहले मोदक बना देती हूँ क्योंकि गणेश जी की पूजा करने के लिए मुझे मोदक बनाने हैं। और हाँ, टावल ले लो बेटा, बाहर ही होगा, काना नहा के आ गया, टावल मांग रहा। तो यहाँ पर गणेश जी की पूजा के लिए मुझे 11 मोदक बनाने हैं, वो बना देती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी बड़े। पंडित जी के आने तक सारा काम सब हो जाएगा तो सही रहेगा, तो इसलिए फटाफट से लगी हूँ मैं। 8:30 बज चुका है अभी और सुबह है 5 बजे से पहले ही उठ गई थी, टाइम नहीं देखा, मतलब बाद में देखा तो 5 बजे थे, तो उससे पहले ही उठ गई थी मैं। तब से लगी हूँ अभी तक, सीधे पल्ले की साड़ी पहनी हुई है और सावन का महीना चल रहा है तो हरे हरे चूड़ियाँ भी हाथ में पहले ही डाल ली थी मैंने मसाला डालते वक्त।
तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं मंदिर में और करते हैं पूजा स्टार्ट। और यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, आगे की प्रक्रिया आप देखते रहना मेरे साथ। श्री भगवान नारायण देवता बाम करने प्राणे विनियोग फिर अपने हाथ में जल लेना भगवान के दाएं में कर तले भ्यो नमः कर पृष्ठे भ्यो नमः हाथ करोगे ओम आशीष श्री हृदय ध्यान मंत्र से भगवान के नाम का हृदय आपका है ओम आशीष श्री श्री सोन मंत्र से नारायण श्री सुख संतो मेरी मस्तिष्क की बुद्धि भी आप ही रखना ओम आशीष श्री शिखाया मध्ये बालुलाल मध्ये शिखाया अम विस्तार नाम अपनी आंखों से कहना ओम चक्षु से भगवान के आंखों में हाथ लगाइए फिर अपने कानों से कहना ओम वाह के भ्यो नमः भगवान के कान पर हाथ लगाइए फिर अपने मस्तिष्क में जितनी भी प्रकार की बुद्धि है वायु प्रजा धन विद्या छोटो बुद्धि भगवान के सिर में हाथ लगाइए फिर अपने मुख पर हाथ लगाना वाणी शुद्ध बोले गए असो वाक्यम असो जनार्दनम मुखे भ्यो भगवान वाणी मुद्दाय नमः अपने चिबुक पे हाथ लगाइए कर्मांडन को उतारना दक्षिणे पान बा दक्षा चिपचा चिबुके भ्यो नमः अपने कंठ पे शुद्ध स्वर आए अच्छी भाषा आए देवता भ्यो महायोग नम शिवाय भगवान के कंठ में सर्वांगे भगवान को दे दीजिए प्राणाय नमः अपानाय नमः ज्ञानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ज्ञानाय नमो नमः हाथ में एक एक चम्मच पूर्वे खाम पंथा मनुष्य धीरा अंताले धीरे रचो नश्मिन्न जजाग्रतो दूर मुदय तन्मे मन कं शिव संकल्प मसु आपो हिष्टामयो भूतम गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदाय गोपमहनुवशवे तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और लड्डू गोपाल को हमने तैयार कर दिया है। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।